घटनाएं या स्थितियां घटित हुईं। तमाम तरह के लोगों को शिव से बेहतरीन चीजें मिली। दुनिया ये राय बना सकती है कि ये लोग इसके लायक नहीं थे, मगर शिव ने खुद कभी ऐसी राय नहीं बनाई। जब उन्होंने मांगा, शिव ने दिया। आप सब भस्मासुर के बारे में जानते हैं? वो एक योगी था जिसने आकर शिव से मांगा कि उसे ऐसी शक्ति चाहिए कि वो जिसे भी छुए वो भस्म हो जाए। शिव ने कहा तथास्तु। फिर वो शिव के ही सिर पर हाथ रखना चाहता था। वो शिव के ऊपर आजमाना चाहता था कि ये वरदान कारगर है या नहीं। तो शिव उठकर भागने लगे और फिर हमेशा की तरह उन्होंने विष्णु की सलाह ली कि अब क्या करें। विष्णु ने कहा रुकिए, और उन्होंने मोहिनी या बहुत सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। फिर वो आकर भस्मासुर के सामने नाचने लगे। भस्मासुर शिव को भूलकर इस स्त्री के पीछे भागा। वो बोली तुम्हें मेरी तरह नाचना होगा, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। वो बोला ठीक है। मोहिनी ने ऐसे 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 किया, ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसने ऐसे किया तो उसने भी ऐसा किया और भस्म हो गया। शिव को हमेशा बहुत शक्तिशाली देव के रूप में देखा जाता है, साथ ही उन्हें दुनियादारी में ज्यादा चतुर नहीं माना जाता है। इसलिए शिव के एक रूप को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, मगर वो छोटे मोटे तरीकों से बुद्धि का प्रयोग करने की परवाह नहीं करते। सिर्फ चतुर और घटिया स्तर की बुद्धि लगातार ये सोचती है कि किसी को हराया कैसे जाए। बुद्धि और चालाकी भरी धूर्तता दो अलग अलग चीजें हैं। Being smart is always in comparison with somebody else. कोई स्मार्ट हमेशा किसी और की तुलना में होता है। बुद्धिमान होना किसी और की तुलना में नहीं होता, ये अपनी प्रकृति से होता है। इसलिए बुद्धिमानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिमानी कभी तुलना में नहीं होती, वो बस जीवन की एक अभिव्यक्ति है। अगर कोई नाच नहीं सकता तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। शिव नटराज है, वो नर्तकों के राजा हैं, और हमारे बाकी सभी देवता नर्तक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि की घटना सबसे ज्यादा किसी नृत्य की तरह है। आजकल आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चीजें नृत्य कर रही हैं। नृत्य का मतलब है कि उसमें कोई तार्किक तालमेल नहीं दिखता, लेकिन अगर आप करीब से उसे देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहन व्यवस्था है। सृष्टि के इस नृत्य ने शाश्वत शांति से खुद अपनी रचना की है। सृष्टि के इस आनंद को प्रस्तुत करने की कोशिश में हम इस आयाम को नटेश या नटराज कहते हैं, जो शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। क्योंकि सृष्टि एक नृत्य है, इसलिए हमने कहा कि ईश्वर एक नर्तक है। इसलिए जब हम शिव को नटराज कहते हैं तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ति नाच रहा है, इसीलिए उनके आसपास वो घेरा दिखाया जाता है। गोल आकार हमेशा ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, क्योंकि किसी भी चीज के गतिशील होने से अस्तित्व में जो सबसे कुदरती आकार घटित होता है वो है एक गोल आकार। कोई भी चीज जो खुद से घटित होती है उसका आकार गोल होता है। पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है, सब कुछ गोल है, क्योंकि गोल आकार का टकराव या रगड़ सबसे कम होती है। इसीलिए नटराज के चारों ओर बना घेरा ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो एक ब्रह्मांडीय नर्तक है। उनका वर्णन हमेशा इसी तरह किया जाता है। You can experience the dance, or you can become the dance. आप नृत्य का अनुभव कर सकते हैं या आप नृत्य बन सकते हैं। आप बस उसे ध्यान से देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। लेकिन आप नृत्य को समझना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास बस यही दो तरीके हैं। अगर आप नृत्य को देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव करते हैं तो हम कहेंगे कि आप एक साधक हैं। आपको वैज्ञानिक कहा जा सकता है, पर फिर भी आप एक साधक हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं।
अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप साधक बन जाते हैं, अगर आप नृत्य बन जाते हैं तो आप चैतन्य बन जाते हैं, आप योगी बन जाते हैं। आपके पास यही चुनाव है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामी।